नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर माफिया आतिक अहमद के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई है। बता दें कि जब से यूपी में माफिया आतिक अहमद की हत्या हुई है, तब से उसके समर्थन में लगातार वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के एक नेता आतिक अहमद के कब्र के सामने जाकर के रोते रहते हैं और कहते हैं कि आतिक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई। इसके बाद अब आपको बता दें कि माफिया आतिक अहमद के समर्थन में पटना, राजधानी पटना में जोरदार नारेबाजी की गई है। पूरा मामला आपको हम पहले पूरा विजुअल्स दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां माफिया आतिक अहमद के समर्थन में जोरदार नारेबाजी हो रही है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह आतिक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, आतिक अहमद, असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मिट गया, सरकार पुलिस सबका हाथ उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद आतिक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में। उसको अपराधियों के जरिए सरकार पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। अपना पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। यूपी में आम माफिया आतिक अहमद की हत्या के बाद लगातार आतिक अहमद के समर्थन में लोग आ रहे, जहां आज राजधानी पटना में भी जुम्मे के अंतिम नमाज के बाद शहीद आतिक अहमद अमर रहे के नारे लगाए गए हैं। वहीं लोगों ने यह भी कहा है कि आतिक अहमद को फंसाया गया है और प्लान में योगी सरकार ने आतिक अहमद को मरवाने का काम किया है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में आतिक अहमद शहीद हो गया है। नारेबाजी करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आतिक अहमद सरकार और प्रशासन के द्वारा मरवाया गया है, वह शहीद है। तो देखिए लगातार आतिक अहमद के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रहे हैं। आपको बताया कि अब बिहार में भी, यानी राजधानी पटना में भी आतिक अहमद के समर्थन में नारेबाजी की गई है। कहा गया है आतिक अहमद शहीद हो गए हैं और यूपी पुलिस जो है और यूपी सरकार जो है वो प्लानिंग करके आतिक अहमद की हत्या करवाई है। तो देखिए बड़ा जो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो राजधानी पटना से है, जहां पर माफिया आतिक अहमद के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। आपको हम इन तमाम विजुअल्स के साथ छोड़े जाते हैं।